दिन हो गए मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, तो मैंने कहा यार बहुत गैप आ गया है बीच में, तो आज से मैं डेली की व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। तो अभी मैं उठा हूँ नींद से और 12 बज रहे हैं, और मेरे दिन का यही होता है, बहुत बोरिंग होता हूँ, सारा दिन घर बैठ बैठ के बोर हो जाता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ और बाहर जाऊँ, कहीं घूम के आऊँ, और मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है यहीं से। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं ब्रश करता हूँ ना, मेरे दांतों से खून निकलता है, पता नहीं ये क्यों निकलता है पर निकलता है। कुछ ऐसे हैं कि फाइनली साईं तैयार हो गया और साईं का मूड हो गया है हलीम चावल पे, और बुला लिया है कामरान शाह को। कामरान शाह भी चलेगा हमारे साथ, खाएंगे हलीम चावल। लो हो, ये सामने खड़ा हुआ है सैयद कामरान शाह मेरे इंतज़ार में खड़ा हुआ है। प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया है, तो पहले हम जाएंगे पैसे वैसे निकलवाएंगे फिर खाएंगे, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो कैसे खाएंगे यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी सफाई है हमारे शेरघोट की में यार, बस इनसे पूछो तो स्टेटस ऐसे लगाते हैं कि इतनी सफाई है हमारे शहर में, इतनी सफाई। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि एटीएम मशीन चोरी करूं मैं, कब तो करूंगा यार, कितने पैसे होते हैं अंदर। तो यार सोच लिया कुछ बैग में पेट्रोल मेट्रोल भरवा लें। हमने हलीम चावर खा लिए और अभी हम अवेस से मिलने आए। अवेस भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। यार मेरे लाइक नहीं आ रहे, बोल दो कोई, कुछ इन्हें बोल दो, कुछ तो बोलो। मुझे खुद नहीं आते। सबसे पहले घबराना नहीं यार, बस दुख हो रहा है अभी तो। अभी हम घर जाएंगे, बस हमारी दिन की रूटीन यही है, और उसके बाद गाजी के साथ जाएंगे। जाएंगे, जाएंगे। तुम चलोगे? इसको चेसे हैं कि कामरान ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया, मतलब छोड़ा, मुझे छोड़ दिया। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, फ्रेश मिलेश फिर से फ्रेश होके, फिर गाजी को उठा के फिर हम जाएंगे होटल पे चाय वाय पिए, उसके बाद कुछ पता नहीं है दिन का यार, दिन कहीं कहाँ कब कैसे गुजर जाए। तो मैंने कहा डेली की व्लॉगिंग करते हैं यार, डेली वैसे पीछे हो रहा हूँ ना तो व्यूज़ नहीं आ रहे, इस वजह से मैंने कहा कि डेली की व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, और घर के बाद देखते क्या सीन है, जो सीन बना, सीन्स कुछ पता नहीं है, सीन्स कुछ थे नहीं, सीन सब बन गए। गंबल शाह भी आया है कराची से, गंबल शाह का वेलकम करते हैं, और अभी हम जा रहे हैं होटल पे मज़े के साथ। तो सीन्स पहले कुछ भी नहीं थे, अभी सीन्स बन गए, और गंबल शाह भी आया है कराची से, गंबल शाह का वेलकम करते हैं, और कामरान का वेट कर रहे हैं, कामरान भी आ गया। ये मेरा गरीब सा दोस्त गंबल शाह बेचारा, बेकार ब्रेकअप के बाद ऐसा होता है यार, ऐसा होता है ब्रेकअप के बाद। गंबल शाह इन इश्क में लुंडे वाली जैकेट में अच्छा कौन सा ब्रांड है ये? हे हिम्मत अच्छा केड़ो ब्रांड केड़ो है वो, लोकल भी केड़ो हालो ठीक है, लोकल ब्रांड ना है ना, लोकल भी ना है, सब वो लुंडे वाली ना है, लुंडे लगे ही लुंडे वाली थी, पर एको लुंडे वाली की थोड़ी महंगी पड़ती है, थोड़ी मैं माने 600-700 में बढ़ती हूँ। नहीं डिस्टर्ब ना कर यार, डिस्टर्ब ना कर। डिस्टर्ब क्यों, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? क्या कहना कहना क्या चाहते हो? वीडियो
रिपोर्ट मारोगे मेरे यूट्यूब पे? आईफोन सर, आईफोन दिखा रहे हैं सर, आईफोन आईफोन समझ रहे हो, आईफोन दिखा रहे हैं सर। गंबल जी ने वेरी दुख में, बहुत दुख हुआ गंबल जी, हम आपके दुख में शामिल हैं, हम आपके दुख में शामिल हैं सर। गाजी ने मेरी पिक्चर निकाली, दिखाओ 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 कैसी निकली। हाँ यार बहुत अच्छी है माशाल्लाह, रिजल्ट अच्छा है। फ़ोन चाइना का है ना, चाइना मतलब चाइना है ना, ये 10,000 का लिया होगा, प्रोटेक्ट मोड, 4 कैमरा है, चलती एक है, हमें पता नहीं है चाइना का। ये देखो ये आईफोन है यार, देखा जाए इतना क्यूट यार, यहाँ काला काला आया हूँ यार, मोकाला आया है मेरा, जैसी शक्ल होगी वैसे मोकाला गोरे को। तो सैयद कमरा शाम में कोई एक पिक्चर दिखाने वाले हैं जी, दिखाएं। तो सीन्स कुछ ऐसे हुए कि मेरी होटल पे चार्जिंग ख़त्म हो गई, आईफोन है यही सीन है, बहुत बोर हो रहा हूँ यार, सारा दिन घर में बैठे हुए और कुछ काम नहीं है, यही मेरी डेली रूटीन है। अभी घर में बैठ के मुझे बहुत सवाल आते हैं यार, हम पैदा क्यों हुए, हम यहाँ आए क्यों, बस यार ख़त्म करो व्लॉग, यहीं पे ख़त्म करो बस।